और रायसेन में अचानक बाढ़ आ जाने से ट्रैक्टर ट्रोली पानी के तेज बहाव में बह गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ईटा और ईंट लोहा सीमेंट भरकर ट्रैक्टर ट्रोली ग्राम बर्रा पौड़ी में जा रही थी। इसी दौरान जंगल से निकली नकटी नदी में अचानक से आई बाढ़ से पुल पार करते समय ट्रैक्टर ट्रोली बह गया। वहीं अब ग्रामीण बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि नदी से ट्रैक्टर ट्रोली को निकाला जा सके। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं रायसेन से जुड़ी हुई, जो कि रायसेन में दरअसल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप एक ट्रैक्टर ट्रोली को इस बीच नदी में फंसा हुआ देख पा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जब ट्रैक्टर ट्रोली ड्राइवर ने एक पुल को पार करने की कोशिश की थी, जबकि इसमें सीमेंट बालू के साथ ईंट भी लदे हुए थे, तो इसे पार करने की कोशिश में अचानक से बाढ़ का पानी का स्तर इतना बढ़ गया और तेज बहाव की वजह से ये ट्रैक्टर ट्रोली पलट करके इस पानी के साथ ही बहाव में बह गई।